सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं सोलार स्मैश। तो गाइस पहले हम देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। तो गाइस हमारे पास ये अननोन सिस्टम के अंदर ये गूगल मैन है, और ये दो प्लैनेट्स है, तीन प्लैनेट्स है, और इसमें से मर्क्यूरी और हमारी प्यारी अर्थ। तो गाइस हम पहले शुरुआत करेंगे मर्क्यूरी से। क्या मस्त है गाइस मर्क्यूरी। तो पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हमले हैं। तो हमारे पास ये है, ये मून क्रश का है। अच्छा, फिर ये है, ये मिसाइल बीम्स, एलियन स्पेसशिप, और ये कुछ चीज़ें हैं। तो पहले हम ट्राई करेंगे एलियन स्पेसशिप से। तो गाइस सॉरी फॉर द नॉइस, एक मिनट गाइस। तो गाइस सॉरी गाइस, मैं कुछ काम था इसलिए मैं गया था। तो अभी पहले हम देखते हैं जादू का कमाल। तो हम पहले यहाँ से जादू को भेज देते हैं, देखते हैं जादू कितनी तबाही करता है। ओ भाई, काम करते इधर भी एक डाल देते। क्या हुआ, आया नहीं? अच्छा आ गया। और वो बीम किधर गई? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है गाइस, ये उसकी दूसरी आग। ये गाइस मर्क्यूरी खुश हो गया। तो अभी हम ट्राई करेंगे अगला एलियंस में से। तो वो है जादू के पप्पा। तो ये टारगेट, ओ नाइस, मैं इससे अकेले अकेले हिला भी सकता हूँ। नाइस, देखते ये क्या कर पाते। तो पहले मैं ना वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। देखते हैं, वैसे इतना बड़ा बीम होगा लेकिन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो इसको कैसे फैल रहा है, ओ माय गॉड। मैं अगर मैं टाइम स्लो करूँ तो माय गॉड गाइस, इस जादू के पप्पा जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया। क्या बीम फेंकी। अगर मैं टाइम को प्ले करूँ तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा। ओ भाई साहब, पूरे मर्क्यूरी की बैंड बजा दी। काम करते जाने से पहले इन बीम्स, इस फ्रीज बीम की मदद से मैं सब रॉक्स को ठंडे कर देता हूँ। लेकिन गाइस ये बहुत कमाल की चीज थी, अगर मैं वापस करूँ तो ये क्या हो गया। तो सॉरी गाइस, वो पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या फ्रीज गाइस। सबसे बेस्ट तो मेरी ये जादू के पापा है, मुझे फिर से देखना है ये। अगर मैं इस बार एक नहीं बहुत सारे भेज दूँ तो इस प्लैनेट की क्या ये काम करते गाइस। जैसे ही ये टारगेट रेडी हो जाएगा मैं बीम पे जाके ये गर्म हो जाता है प्लैनेट। जितो भाई कितना बड़ा फायर होता है, पूरा छेद कर दिया मर्क्यूरी में। तो भाई साहब, अगर मैं इस एरिया को फ्रीज कर दूँ, हो जा मैं देखने के तो अगर ये एरिया फ्रीज हो गया तो ये क्या गुण खिलाएगा गाइस। लिटरली इतना गर्म हो चुका है कि फ्रीज ही नहीं हो रहा है ये। अचीवमेंट अनलॉक, डिस्ट्रॉयज 10 प्लैनेट्स। लेकिन ये तो मेरा पहला ही प्लैनेट था। मैं पता नहीं गाइस रॉक्स को ठंडे क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी हम मर्क्यूरी को छोड़कर वीनस की ओर बढ़ते हैं। वीनस तो गाइस मर्क्यूरी से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं देख, ओह शिट, तो मैं देखना चाहता हूँ गाइस मर्क्यूरी क्या, और वीनस को अगर मैं ठंडा कर दूँ तो क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ, ये अभी खुश है गाइस क्योंकि इसके ऊपर जादू के पापा नहीं चले हैं। और ये बन चुका है सबसे पहला प्लैनेट। तो अभी इसको भी तबाह करते गाइस। किधर गया, मुझे गाइस ये वाली चीज़ टेस्ट करनी है। अगर मैं टारगेट पे जाऊँ ये एक्टिवेट करूँ, वो गाइस मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। नाइस, तो अभी गाइस मैं इसके बीच में ये बहुत बड़ा छेद कर देता हूँ।
हम देखते गए इस मोर की और वीनस की क्या हालत हो रही है। मैं बार बार मोर की बोला, ओ माय गॉड इधर कितनी तेज रोशनी है, मैंने लिटरली इसके बीच बीच एक चेंज कर दिया। बेचारा सोच रहा था कि सबसे पहला प्लैनेट ही तबाह कर दिया अपना। ये मैंने क्या किया, तो पहले मैं इसकी एक आँख खोल देता हूँ। तो देखते गाइस अभी मिसाइल क्या कर पाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी गाइस। सबसे बेस्ट तो जादू के पापा थे। बीम 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 में मिसाइल्स टेस्ट करना चाहते हैं, ये है। तो पहले मैं प्लैनेट को ठीक कर देता हूँ, इसको यहाँ पर भेज देता हूँ, और अब देखते क्या गुम खिलाता है। क्या भाई कितना सा डिस्ट्रक्शन किया ये गाइस, कितना कम डिस्ट्रक्शन। मैं बोलने वाला था गाइस ऐसे कितना कम डिस्ट्रक्शन किया, इसकी हालत देखिए गाइस, इसने क्या कर डाला। एक मिनट, अगर मैं इसको अर्थ पे जाके ट्राई करूँ, अभी देखिए गाइस 7,791,000,000 लोग हैं यहाँ पर। तो पहले मैं इसका बीम कम करते, पहले मैं इंडिया को सूरज के सामने लेके आता हूँ। तो गाइस इतनी देर तक वेट करने के बाद फाइनली गाइस ये सूरज के सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अंधेरा है। तो गाइस इन लोग का चैन से हम सोने नहीं देंगे, तो पहले मैं वही मिसाइल इसके ऊपर फायर कर देता हूँ गाइस। लेकिन ये तो सबसे बेस्ट है यार, पहले थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करता है, ऐसा लगता है कि बाय कितना कम डिस्ट्रक्शन किया, सिर्फ 401,000,000 मरे। और अब देखो गाइस 1,4,000,000,000 गाइस, माय गुडनेस ये मिसाइल क्या कर सकती है। अगर मैं इसको फायर करूँ तो अच्छा ये सबको ठीक कर देता है। लेकिन गाइस सबसे बेस्ट तो गाइस मेरे लिए वो वाला पार्ट था, अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो फिर परफेक्ट गाइस। एक काम करते गाइस, मैं हमारे यहाँ पे बहुत ठंडी और बहुत गर्मी होती है, और चाइनीज़ लोगों ने ना हमारे इधर कोरोना फैलाया, तो ये ले भाई चाइनीज़, मैं तुम लोग की क्या हालत करता। पहले हमारे इंडिया के अलावा जितने भी देश है इधर सब जगह ये आइस फैला देता, और सबसे ज़्यादा तो ये बेकार से इधर फैला देता। तो गाइस मैं एक मिनट में मिलता हूँ आपसे। तो गाइस पहले मैं इंडिया के अलावा हर एक जगह पर मैं ना ये कर दूँगा, सॉरी गाइस, ये गाइस मैं ना हर एक जगह पर मैं सिर्फ इंडिया को ही छोड़ दूँगा, मैं जापान के मैं ये पूरी जगह ही कवर अप कर दूँगा। अब देखते गाइस इंडिया के अलावा गाइस सिर्फ 1,000,000,000 बच चुके हैं। अभी एक काम करते, अभी मैं जादू के पापा जी को बुला दूँ, और इस बारे ना मैं बहुत सारे जादू के पापा जी को बुला लेता हूँ। अब देखने गाइस 1,000,000,000 है ना, तो अभी एकदम आगे कर देते हैं। गाइस कितनी बड़ी बीम आ चुकी है, अगर मैं इस बीम के अंदर जाऊँ तो मेरी गाइस गेम लैग हो रही है, मेरी गेम लैग हो रही है। अभी काम करते गाइस एक और एक पप्पा जी छोड़ देते जादू के, ये क्या हो रहा है। हाँ गाइस अभी थोड़े और पप्पा जी छोड़ दिए मैंने। माय गॉड गाइस हम लोग ने लिटरली धरती का सर्वनाश कर दिया। तो काम करते अभी हम जाते हैं मेन मेन्यू पे, और अब हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे सोलार सिस्टम को। तो ये गाइस हम लोग का छोटा सा प्यारा सा सोलार सिस्टम है। ये क्या इस सन क्या चीज़ है ये, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, माय गॉड गाइस मैं इसको पूरा रीसेट कर देता हूँ। तो
तो पहले ये क्या ब्लैक होल? अगर मैं ब्लैक होल के साथ ब्लैक होल में लाऊं तो ये ब्लैक होल लिटरली बड़ा हो रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक होल समन कर देता हूँ। और अगर मैं सारी इस बड़े वाले ब्लैक होल को इसके साथ और इसके साथ मिला, मैं पहले जुपिटर को गायब करूँगा। मार्स और अर्थ को छोड़ के मरक्यूरी को मार देते। एक काम करते, जैसे थोड़ा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अभी। मैं अगर एकदम सूरज को हीट से पावर अप कर दूं, माय गुडनेस गाइस, ये लिटरली बहुत ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। मैं इसका मैक्स देखना चाहता हूँ। अगर गाइस ये इतना बड़ा आ गया ना, तो हम लोग के इधर धूप की कभी कमी नहीं होगी। और अगर मैं इसको एकदम छोटा कर दूं, अगर मैं यहाँ पे फुल स्पीड पे सेट कर दूं, हैंग ऑन सेकंड, ये आगे क्यों बढ़ रहा है? मैं इसको एकदम फास्ट स्पीड पे कर देता हूँ। और अगर बीम को छोटे, माय गुडनेस गाइस, मैं लिटरली पता नहीं क्यों अपनी धरती को तबाह कर दिया। अगर मैं किधर जाऊँ, मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ। अगर मैं मार्स को एकदम से ठंडा कर दूँ तो मार्स के अंदर रहने के लायक ही नहीं होगी जगह। और अगर मैं मार्स को एकदम गर्म कर दूँ, मैं ओत 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 मैं हर जगह गैस जीवन ही जीवन फैला देता हूँ। मैं अगर ओत को ठंडा कर दूँ तो मैं इस ओत को एकदम ठंडा कर देता हूँ गैस, फिर देखते क्या हालत होती है इसकी। ये अकेला ही अर्थ, बाकी तो इसको ठंडा करके दिखते गाइस। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठंडे हो रहे, तो इसलिए गाइस मैं ये गाइस देख रहे हो आप, मैंने लिटरली इसको बंद कर दिया। एक मिनट, अगर गाइस मैं इसको बंद कर दूँ तो गाइस ये देखिए, ये बीम अब भी चल रही है। ये गाइस ये ग्लिच ठीक कर दीजिए आप। अगर मैं इसको एकदम हीट अप करके सूरज बना दूँ इसको गाइस, तो इसकी क्या हालत हो जाएगी। मैं सैटर्न के साथ ही क्यों ना करूँ? ओह माय गॉड गाइस, ये तो बहुत कम है। मैं इस पर एस्ट्रॉइड फेंक दूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है। और अगर मैं अपने सोलर सिस्टम को वापस लेकर आऊं और सीधा जाऊं अर्थ पर, एक मिनट गाइस मुझे देखना है, अगर मैं क्या, ये अगर मैं गाइस ना मरक्यूरी, नहीं गाइस अभी कुछ धमाकेदार सोचते हैं, ये क्या चीज़ है? मुझे गाइस धमाकेदार कुछ करना है। ठीक, काम करती गाइस, मैंने अपना खुद का एक प्लैनेट बनाया है, तो उसको तबाह करके देखते गाइस। कस्टम प्लैनेट, ये गाइस मेरा प्लैनेट किधर गया? तो गाइस ये रहा मेरा प्लैनेट। और अगर मैं ये एस्ट्रॉइड फेंकूँ तो फिर
बेनू वापस आ चुका है गाइस डायनासोर को तबाह करने के लिए। और अभी अगर मैं इधर ये मून क्या चीज़ है ये देखते हैं। ओह माय गॉड गाइस मैं लिटरली मून फेंक रहा हूँ अपने कस्टम प्लेनेट पे। अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ लोड पे जाऊँ अगर मैं मेरा प्लेनेट समन करूँ गाइस तो ये रहा गाइस मेरा खुद का बनाया हुआ प्लेनेट। मैं इधर बहुत सारे क्लाउड समन कर देता हूँ देखो गाइस इतने सारे ठंडे क्लाउड्स को समन कर देता हूँ। इस बैरियर की हालत देखिए आप इसने कितने सारे झटके सहन कर लिए पर इसको हुआ कुछ ही नहीं। अगर मैं ब्लैक होल को समन करूँ तो क्या ये बैरियर को तोड़ पाएगा? नहीं। मैं एक ढेर सारे मून जहाँ पर तोड़ देता हूँ। यस अगर मैं यहाँ पर खुद अपने बलबूते से तो नहीं यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी को पता है जिसको समन करते हैं उस टाइम को एकदम स्लो कर देता है। बैरियर प्लीज भाई टूटियो मत तू। और अब गाइस ये पूरा पैक हो चुका है ना तब खाली गाइस आप ये देखिए छोटा सा एक खुद का होम मेड बनाया हुआ एक्वेरियम एस्ट्रॉइड। ये गैस अगर सच्ची अगर ये रियल लाइफ में हो ना तो गैस हम लोग की धरती पर कोई आँच ही नहीं आएगी आज। ये क्या है अगर मैं प्लैनेट को रीसेट करूँ और ये स्पेसशिप टाइप की जो चीज़ है वो भेज दूँ एक काम करते गए सब भेज देते सब एक एक भेज देते। मैं गाइस लिटरली सब कुछ एक साथ भेज रहा हूँ। गाइस मैं पता नहीं क्यों ऐसा सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मजा आ रहा है गाइस इसमें मैं सब कुछ एक साथ भेज रहा हूँ। चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही काफी है। होप यू एंजॉयड मेक श्योर टू सी दैट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।